Hey backbenchers, welcome back. Shobhik here. Today in this video, we're going to practice articles and prepositions, which are the most tricky and application-based part in English grammar. And honestly, the best way to get them right is practice, practice, and practice. So without any further ado, let's roll the intro. So articles are very important words in English grammar that are used before only nouns to limit or define their uses in a context of a sentence. और अगर सरल भाषा में कहा जाए तो सोचिए आप अपने एक दोस्त के पास गए और आपको चाहिए एक बुक, तो आप उससे क्या कहेंगे? I need a book, or I need the story book, I need the English book, I need the history book. अगर आप उनसे कहे कि I need book, I need history book, और I need grammar book, तो आपका दोस्त समझ ही नहीं पाएगा कि आपको कौन सा बुक चाहिए और कितने बुक चाहिए, एक और अनेक. तो इसका जो अंतर है, इसका जो प्रॉब्लम है, इसका ही सलूशन है आर्टिकल. अगर आप अपने दोस्त से कहे कि I need a book, और I need the story book, और I need that book, तो ये एक पर्टिकुलर किसी बुक को मेंशन करता है और कई सारे बुक को मेंशन करता है जो आपके दोस्त समझ पाएंगे. तो यही आर्टिकल्स है. और तो इसके बाद जो सवाल आता है वो ये कि आर्टिकल कितने तरह के होते हैं. तो आर्टिकल दो तरह के होते हैं. पहला इनडेफिनिट, जो कि है ए और एन, और दूसरा डेफिनिट, जो कि है दी. तो यही है. और आप लोगों को तो ए, एन और दी का यूजेस मतलब बचपन से ही पता होना चाहिए कि आप हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं सबके यूजेस सेंटेंस में. तो शुरू करते हैं. तो पहला सवाल करते हैं. स्पॉट द एयर. माई फ्रेंड ऑलवेज लाइक्स टू ट्रैवल बाई द एयर सिंस ही इज़ अ वेरी बिजी मैन. अब इसमें गलती कहाँ है? इसमें गलती है यहाँ पर द एयर. अब सभी को पता होगा कि जब ऐसा कुछ होता है कि बाई एयर, बाई ट्रेन, बाई बस, इसके बीच में कुछ आर्टिकल्स नहीं होते, सिर्फ वो होता है बाई एयर, बाई ट्रेन, बाई बस. सो जो गलती है वो पर दी है. आंसर विल बी ओमिट दी. नंबर टू, डॉक्टर राधा कृष्णन वॉज अ मोर फेमस फिलोसोफर देन अ पॉलिटिशियन. स्पॉट देयर. इसमें जो गलती है यह है ए. आप देख सकते हैं कि फिलोसोफर और पॉलिटिशियन, ये जो नाउन है वो एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन. और ये एक रूल है कि अगर पहले एक आर्टिकल बैठ जाए किसी नाउन के आगे और दो नाउन एक ही आदमी को रेफर कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही आर्टिकल बैठता है. सो द आंसर विल बी डॉक्टर राधा कृष्णन वॉज द मोर फेमस फिलोसोफर देन पॉलिटिशियन. नंबर थ्री, द मैनेजर एंड द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आर होटल इज अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन. ये भी बिल्कुल सेम आंसर होगा. द मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आर होटल, ये होगा दी नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो पद है दोनों, मैनेजर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये दोनों पद एक ही व्यक्ति का है. सो ओमिट दी. नंबर फोर, व्हेनेवर आई मीट हिम ही ऑलवेज मेक्स अ मेंशन ऑफ हिज फादर. स्पॉट द एरर. एंड द एरर इज ए. अब शायद कहेंगे क्योंकि ए क्यों है, ये तो सब ठीक लग रहा है. ये इसीलिए एयर है क्योंकि मेक्स मेंशन, और रादर आई से मेक मेंशन, एक इडियम है और इडियम के बीच में आर्टिकल्स नहीं बैठते. सो दिस. नंबर फाइव, ऑल्दो ही हैज़ अंडरगॉन अ वेरी कॉस्टली ट्रीटमेंट ही हैज़ नॉट बीन क्योर्ड ऑफ अ हेडेक. इसमें गलती कहाँ है? इसमें गलती ये है कि यहाँ पर ए हेडेक है. ये सिर्फ हेडेक होगा क्योंकि हेडेक एक इलनेस है और इलनेस के आगे इनडेफिनिट आर्टिकल नहीं बैठता. नंबर सिक्स, दोज इन हरी शुड रियलाइज दैट स्पीड इज नो की टू सक्सेस इन लाइफ. यह पर जो गलती है वो यहाँ पर है इन हरी. अब सबको पता होना चाहिए कि एक फ्रेज है इन आ हरी, तो इसमें एक आ इंक्लूड होगा. यही गलती है इसका. नंबर सेवन, God made country and man made town.
अब इसमें गलती कहाँ है, ये तो ये भी सब कुछ ठीक लग रहा है, इसमें गलती ये है कि ये जो लाइन है ये एक विलियम काउपर का एक पोएम का लाइन है और टाइटल है ये भी कह सकते हैं। तो जो ओरिजिनल लाइन है वो है गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन्स और टाउन। सो यहाँ पर डी बैठेगा और यहाँ पर भी डी बैठेगा। सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नंबर 8, इट इज़ पिटी दैट ही डज नॉट बिहेव हम्बली विद हिज पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड द एरर इज हेयर। इट विल बी इट इज़ अ पिटी दैट ही डज नॉट बिहेव हम्बली विद हिज पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। नंबर 9, बींग ए मे ओनली ही कुडन बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ अ लेक्चरर। इसमें गलती यहाँ पर है कि बींग एन ए मे, अब सबको पता होगा ये भी कि ए बैचलर ऑफ आर्ट्स और एन मास्टर ऑफ आर्ट्स, डिग्री के पहले आर्टिकल बैठना ज़रूरी है, तो दिस विल बी द राइट थिंग। नंबर 10, ही ऑलवेज टेक्स अ हैवी ब्रेकफास्ट बिकॉज ही जनरली स्किप्स लंच। ये जो सेंटेंस है ये इसमें कुछ भी गलती नहीं है, ये सब कुछ पूरा का पूरा सेंटेंस ठीक है। नंबर 11, प्लीज़ गो एंड फाइंड आउट डॉग सो दैट यू मे नॉट लूज इट फॉर एवर। यहाँ पर जो एरर है, एरर यहाँ पर है, ये होगा दी डॉग, दी इसीलिए होगा क्योंकि डॉग मतलब किसी एक पर्टिकुलर एनिमल को मेंशन किया जा रहा है और इसीलिए इसके पहले आर्टिकल बैठना ज़रूरी है। नंबर 12, देखकर लग ही रहा है आपको कि ये भी बिल्कुल सेम ही होगा। स्नेक वी सॉ वॉज वेरी डेडली दो इट लेफ्ट द किचन क्वाइटली। तो जैसे मैंने कहा कि ये भी सेम होगा कि स्नेक एक पर्टिकुलर एनिमल को मेंशन किया जा रहा है तो इसके पहले दी बैठेगा। द स्नेक वी सॉ वॉज वेरी डेडली दो इट लेफ्ट द किचन क्वाइटली। नंबर 13, टू नाइट आई शेल गो टू दी बेड अर्ली बिकॉज आई हैव टू लीव फॉर मुंबई एट डॉन टुमारो। तो आपको समझ आई होगा कि गलती कहाँ पर है, गलती है यहाँ पर। गो टू बेड एक फ्रेजल वर्ब है, एक फ्रेज है, तो इसीलिए यहाँ पर दी नहीं बैठेगा, यही इसका एरर है। नंबर 14, चाइल्ड नीड्स लव एंड अफेक्शन इफ़ ही इज़ टू बी ब्रॉट अप एज अ हेल्दी यंग मैन। नाउ इन दिस सेंटेंस द वर्ड चाइल्ड रिप्रेजेंट्स एवरी चाइल्ड, सो द एक्चुअल मीनिंग विल बी एवरी चाइल्ड नीड्स लव एंड अफेक्शन इफ़ ही इज़ टू बी ब्रॉट अप एज अ हेल्दी यंग मैन। और अब जब किसी नाउन एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है तो उसके पहले जो आर्टिकल बनता है वो होगा ए, तो द आंसर विल बी ए। सो वी हैव टू कंक्लूड ए इफ़ यू वॉन्ट टू मेक इट करेक्ट। नंबर 15, इट इज़ सेड दैट एलिफेंट इज़ विंडिक्टिव बाई नेचर एंड नेवर फॉरगेट्स हिज एनिमी। एंड इसका एरर है यहाँ पर, दैट और एलिफेंट के बीच में आप एन भी बैठा सकते हो और दी भी बैठा सकते हो, दोनों ही सही होंगे। नंबर 16, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ टैक्सी एट सच अ आवर एज इट इज़ ऑलरेडी 11 PM। अब गलती यहाँ पर कहाँ पर है, गलती है ए आवर, ये ए के जगह एन होगा क्योंकि एच जो आवर के है वो म्यूट होता है, हम जब इसे प्रोनाउंस करते हैं तो आवर कहते हैं, और ओ एज वी ऑलरेडी नो इट्स अ वावल, सो इट विल बी एन आवर एंड दैट्स द एरर हियर। नंबर 17, डू यू टेक अ शुगर एंड इफ सो हाउ मच। आप देख सकते हैं कि ये शुगर जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के आगे ए कभी नहीं बैठता। सो दिस इज द एरर एंड द करेक्ट आंसर विल बी डू यू टेक शुगर एंड इफ सो हाउ मच। नंबर 18, शी लिव्स इन फर्स्ट स्टोरी ऑफ द हाउस एंड शी हैज़ टू कम डाउन क्वाइट ऑफ्टन। गलती कहाँ है यहाँ पर, गलती है हेयर, इट विल बी शी लिव्स इन द फर्स्ट स्टोरी, दी क्यों बैठेगा ये आपको समझना होगा पहले। फर्स्ट, ये जो वर्ड है फर्स्ट, जब भी कोई सेंटेंस में ये फर्स्ट एक एडजेक्टिव ऑफ एडवर्ब की तरफ काम करता है तो इसके पहले इसके आगे कोई भी डिटरमिनर की ज़रूरत नहीं होता, पर जब भी फर्स्ट कोई सेंटेंस में एक नाउन के जैसा काम करता है तो उससे पहले कोई डिटरमिनर की ज़रूरत हमेशा रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर दी मतलब जो आर्टिकल है उसका ज़रूरत हमें पड़ रहा है। सो इट विल बी शी लिव्स इन द फर्स्ट स्टोरी। नंबर 9,
Number 19. He knows how to play flute. He learnt it while he was a student. The error is here. It will be he knows how to play the flute. So the error is here and we have to conclude the. Number 20. What nice mother she is because she takes care of every small need of her children. जब ही कुछ ऐसा होता है what nice कोई सेंटेंस wh मतलब कि what से शुरू होता है और उसके बाद एक noun होता है proper noun तो उसके बीच में हमेशा हमेशा a और an ये दोनों आर्टिकल बहुत बहुत ज़रूरी है तो इसीलिए ये होगा what a nice mother she is so this is the error and we have to conclude a So that's all for today. Thank you for joining us.